इस समय हम ठीक मीरा रोड स्टेशन के बाहर खड़े हैं और जिस तरह से हमने गुटके के ऊपर जो सीरीज़ चला रखी है उसमें हम आपको बड़ी दिलचस्प चीज़ यहाँ पर बताने जा रहे हैं। गुटका महाराष्ट्र में बैन है, पहले 2012 में बैन किया गया था, इसके बाद 2019 में फिर इसे बैन कर दिया गया, लेकिन गुटका जो है वो इन क्षेत्रों में धड़ल्ले से खुले आम बिक रहा है। आपको मैं बता दूं ये मीरा रोड स्टेशन है, मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि वो ये दिखाए। देखिए ये मीरा रोड स्टेशन के पास ही यहाँ पर किस तरह से गुटके की वजह से यहाँ पर आप देखिए गंदगी कैसे फैली हुई है। यहीं पर लोगों का जमावड़ा भी है, यहाँ पर छोटे बच्चे भी आते हैं और काफ़ी पैसेंजर्स, काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। और यहाँ पर आप देखिए सफाई जो अभियान है उसकी किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये मीरा रोड स्टेशन पर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो है सफाई अभियान को पूरी तरह से कुचला जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बहुत से लोगों की ये शिकायत भी है कि गुटखा जो है खुलेआम क्यों बेचा जा रहा है। अगर कार्रवाई भी होती है, उनका कहना है अगर कार्रवाई भी होती है तो जो है वो छोटे गुटखा बेचने वालों पर होती है, ना कि उन पर होती है जो इसके स्टॉकिस्ट हैं, इनका गोदाम है जहाँ पर, और उन गाड़ियों पर भी बहुत कम कार्रवाई जो है वो होती है कि जो गाड़ियाँ गुटखा लेकर यहाँ पर आती है। ये आ कैसे सकती है? ये मीरा रोड मीरा भाईंदर वसई विरार एक कमिश्नरेट इलाका है, यहाँ पर कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं, डीसीपी यहाँ पर बैठते हैं, बड़े बड़े आला अफसर यहाँ पर बैठते हैं, इनके बावजूद भी यहाँ पर जो है गुटखा खुलेआम जो है बिक रहा है। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या खासी उन्हें दिक्कत हो रही है इस गुटखा जो है वो बेचने की वजह से, लोगों के खाने की वजह से। एक चीज़ और आपको बताते चलूँ कि गुटखे की वजह से दर्दनाक मौत होती है, ये गुटखे के रैपर पर खुद लिखा हुआ है। साथ ही साथ कैंसर जो है वो गुटखे से बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अब चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस पर उनकी क्या राय है। बिक रहा है मीरा रोड में? बिक रहा है। अच्छा, तो ये गुटखा कब बंद होगा? मतलब ये तो बैन तो है, बंद कब होगा? ये कंपनी बंद होगा तभी बंद होगा, नहीं तो वैसा बंद नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो गुटखा लेकर आते हैं यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं तो इसका बहुत जमाव होता होगा ना गुटखे का, तभी तो आ रहा है। हाँ, ये कंपनी से आता होगा तभी ना ये सब लोग बिक रहा है, सब लोग दे रहा है। ये जो बेचने वाले इन पर कार्रवाई करते हैं, फिर चार दिन बाद फिर इनके पास में माल आ जाता है। ये कंपनी बंद होगा तभी ये बंद होगा, नहीं तो नहीं बंद होगा। ऐसा में बैन है, इसके बावजूद भी यहाँ पर गुटखा इतना कैसे मिल रहा है? ये मिल रहा है, बड़े बड़े कंटेनर पैसा लेते हैं तो माल पास कराते हैं चेक नाका से, और क्या हम लोग को गरीब आदमी को कैसे मिलेगा ये माल? तो बड़े बड़े कंपनियाँ से इन लोग का टच रहता है। तो ये जो जहाँ से आता है उस पर कभी सुना है आपने कार्रवाई? नहीं नहीं, ये तो कभी नहीं सुना, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, बड़ी कंपनियाँ हैं, उनसे पेटी दो पेटी पैसे आते हैं सीधा, तो वो माल पास कराते हैं, ट्रक दो ट्रक तीन ट्रक ऐसा माल आता है, तभी छोटे धंधा व्यापारी लोग खरीदते हैं। तो भाई छोटे लोग जो खरीद रहे, बिक रहा है तो खरीद के खाएंगे ही ना, और खाने के साथ साथ प्रदूषण भी होता है ना, इधर थूकते उधर थूकते, इसीलिए बीमारियाँ भी फैलती है, और खा पी के इधर उधर गाड़ियों में बैठ करके थूकते हैं, किसी दूसरे के अंग पे भी पड़ता है, किसी के आँख में भी पड़ जाती है, तो ये प्रदूषण आँख को भी फोड़ सकती है। यहाँ पर जो रेल यात्री अब आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे मैं मिलूँगा और जानूँगा इनसे कि क्या गुटखे का दुष्प्रभाव यहाँ पर जो है पब्लिक में फैला हुआ है। भाई साहब, ये जो गुटखा बिक रहा है आजकल जो यहाँ पर है मीरा रोड में, गुटखा बैन कर दिया गया है, इसके बावजूद भी यहाँ पर गुटखा बिक रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? सर, सबसे पहली बात तो ना, ये खाली दिखावे के लिए बंद हुआ है, ऐसे कोई पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हाँ है, ऐसी भी जगह पर है जहाँ पर सब कुछ बंद कर दिए पुलिस वालों ने, लेकिन अपने को भी इसमें साथ देना पड़ेगा, पब्लिक को भी, कि कहीं पे अगर बिक रहा है तो अपन कॉल करके बताओ कि हाँ सर देखो यहाँ पे ऐसी ऐसी दुकानों में बिक रहा है। भाई साहब, एक जानना चाहेंगे कि ये जो गुटखा है ये सभी पान भंडार पर इजीली मिल जा रहा है? हाँ जी, मिल जा रहा है। मिल जा रहा है, मिल जा रहा है। अच्छा, तो ये जो लोग हैं जो गुटखा खाते हैं सामने आते हैं, इन पर कोई कार्रवाई आपने देखी अभी तक? नहीं देखी आपने कार्रवाई यहाँ पर? देखी नहीं गई। सही कहा उन्होंने भी कि कहीं तक तो हम जनता इसके जिम्मेदार है, अगर हम खरीदना बंद कर दें तो वो बेचना बंद कर देंगे, लेकिन जब बैन लग चुका है इसके ऊपर, इसके बावजूद भी वो जो बेच रहे हैं वो इल्लीगल है, और इसके ऊपर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ तक पत्र व्यवहार का सवाल है, मैं आपको बता दूंगा स्क्रीन पर जो है वो ये पत्र दिया गया था, तारीख के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये पत्र दिया गया था पुलिस जो है आयुक्तालय में, उसके बावजूद जो है उन लोगों पर कार्रवाई हमने अभी तक देखी नहीं है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि डीसीपी ऑफिस
मीरा रोड के डीसीपी ऑफिस के कुछ ही कदम पास में ही एक पान की दुकान है और वहाँ पर गुटखा बहुत इजीली मिल रहा है। इसकी भी सारी वीडियो हम आपको अब इस सीरीज़ में दिखा रहे हैं। तो जो ये कहना है कि पुलिस कार्रवाई करती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। साथ ही साथ अब हम जानेंगे, सर प्लीज़, ये जो गुटखा बिक रहा है, हम गुटखे पे सीरीज़ कर रहे हैं, तो ये जो गुटखा बिक रहा है अभी बैन होने के बावजूद, इस पर आपका क्या कहना है? सर ये तो एक्चुअली बैन होना चाहिए, और गुटखा ओपनली बैन है, ऑलरेडी बैन और बैन है, और गुटखा ओपनली बेचना नहीं चाहिए, और एक बेचना नहीं मुझे उसको बैन करना चाहिए, थोड़े बैन चाहिए इसको, ऐसे जगह देखा मतलब जो कि पब्लिक का सामना आ जाए, और ऐसे जगह देखो इसको कि किसको भी नहीं मालूम पड़ेगा ये गुटखा बेचे, और गुटखा कारण से सबसे बड़ी कैंसर भी हो सकती है, और बच्चों को बच्चों को जान भी जा सकती है, और इसको बैन करना चाहिए, और इसको टोटली बैन करना चाहिए, और हम इसको बैन करते हैं इसको। तो भाई साहब ने इस चीज़ का समर्थन किया है कि टोटली इसको बंद कर देना चाहिए, ये नहीं बिकना चाहिए। इसके बावजूद भी मीरा रोड क्षेत्र में, मीरा भाईंदर क्षेत्र में हमने देखा है कि खुलेआम जोरदार गुटखा जो है बड़ी आसानी से जो है वो बिक रहा है, ये जो जहर है ये बिल्कुल आसानी से बिक रहा है। अब और जानेंगे, और लोगों से हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं जानकारी तो होगी, मिलता तो रहेगा ही ना, मतलब यकीन है कि मिल जा रहा है, और ये सही बात है, गुटखा बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाता है। क्या जी 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 क्या बाजू में आपके पीछे ही है क्या? हमारे पीछे मतलब वो जो पान भंडार है उसकी, फिर कहाँ? ये लाइन में मार्केट में जाओ। अच्छा मार्केट में जाएंगे आपको? तो मिल जाता है। कहाँ मांगता आपको? माल दे दूँ, सब जगह मिलता है, हर जगह माल आसानी से मिल रहा है। कार्रवाई देखी आपने कभी इन पे? अपने माल से मतलब है, गुटखा खाते तो गुटखा मिलने से मतलब, कार्रवाई हो चाहे ना हो, मतलब ये गुटखा बैन होने के बावजूद भी मिल रहा है, और इस पर जो है कोई ब्लैक में 20 का 25, 25 का 30, 10 का 15 गुटके, मेन गुटका ही है, उसको कड़क कार्रवाई करो, माल आएगा नहीं, बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो पब्लिक खाएगी नहीं। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो जब माल वहाँ से आना ही बंद हो जाएगा तो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो खाएंगे नहीं। सही कहा आपने, मतलब अगर गुटका आएगा ही नहीं तो लोग इसे खाएंगे नहीं, और अगर खाएंगे नहीं तो ये सारी गंदगियाँ नहीं होगी। लेकिन इसके ऊपर तो सख्ती करनी जो चाहिए वो तो पुलिस प्रशासन को, गवर्नमेंट का काम है वो, हमारा थोड़ी काम है वो, तो हमने पब्लिक है वो, तो गवर्नमेंट का काम है ना, वो सख्ती नहीं कर रही है इसलिए ये सब, नगर पालिका है, पुलिस प्रशासन है, और भी नगर बहुत जन है, तुम माल आना बंद कर दो, तुम लोग माल बनाना बंद कर दो, खाएंगे कहाँ से? तो ये राय है लगभग, अब सभी लोग ये कह रहे हैं कि गुटखा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन और जो स्टॉकिंग है ये कहीं ना कहीं हो रहा है, जिसकी वजह से गुटखा इन लोगों तक पहुंच रहा है, और ये जो छोटे बेचन हैं ये इस चीज़ों को बेच रहे हैं। तो अगर वो स्टॉकिंग ही बंद हो जाएगा, अगर वो माल आना ही बंद हो जाएगा तो यहाँ बेचना बंद हो जाएगा, लेकिन वो माल को, आने वाले माल को पकड़ना, जो स्टॉकिंग है गोदाम उस पर छापा मारना, ये किसका काम है? उन्हें ये काम करना चाहिए, और ये चीज़ यहाँ पर बंद होनी चाहिए। मीरा रोड में इस समय हम यहाँ के एक रहवासी के साथ में हैं, और इनसे जानेंगे कि गुटके पर इनकी क्या राय है। क्या गुटका इधर आसानी से मिल जाता है? जी बिल्कुल मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है, कोई भी पान पट्टी पे आप जाके पूछेंगे आपको इजीली मिल जाएगा गुटका। गुटका महाराष्ट्र में बैंड है, क्या ये बात आपको पता है? हाँ, मुझे ये चीज़ का अवेयर है कि बैंड है, बट मुझे नहीं समझ में आता कि कैसा बैंड है, क्योंकि ये मार्केट में हर जगह मिल रहा है, और टीवी पे इसके एड्स आते हैं, और कंपनी गुटखा बना रही है, तो ये किस तरीके का बैंड है मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि कैसा बैंड है ये। इतना फ्लो में गुटखा यहाँ पर मिल रहा है, हमने भी स्टेशन पर भी बहुत सारे लोगों से बात की मीरा रोड, और जाना कि गुटखा सभी कह रहे हैं कि आपके आसपास में ही मिल जाएगा गुटखा, तो इसके ऊपर कोई मजबूत कार्रवाई या कोई अभियान इन दिनों में आपने देखा? नथिंग, मैंने तो कुछ नहीं देखा। इनफैक्ट इसको तो बैंड होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसके ऊपर वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पहले शायद मैंने न्यूज़ में भी देखा था, या शायद इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, कि टाटा और नायर हॉस्पिटल के ये जो कैंसर ट्रीटमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट किया था कि अगर ये गुटखा आप नहीं बैंड करोगे तो हम ये जो इनके पेशेंट्स आ रहे हैं कैंसर से रिलेटेड, हम इनको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, क्योर करना तो दूर की बात, मतलब आज की तारीख में उनके पास जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, इतनी वेटिंग्स है कैंसर पेशेंट्स की, कुछ तो शायद वेटिंग में ही शायद उनका नंबर ही नहीं आता होगा, इस दुनिया से चले जाते होंगे। गुटखे से दर्दनाक मौत होती है, इतना सब होने के बाद भी कुछ प्रशासन का कुछ मजबूत कदम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है?
नहीं, मैंने तो इतने दिनों में, इतने महीनों में शायद मैंने तो कहीं नहीं देखा क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा हो या कोई दिक्कत हो किसी को लेने में। आप इजीली देखोगे पान पट्टी पे या पान शॉप में, कहीं पर भी जाओगे, वो छोटे से छोटा एरिया हो, मतलब मेरा रोड का कोई भी एरिया हो, यू कैन से अगर टिपिकल एरिया हो, पॉश एरिया हो, बट कहीं भी हर जगह ये अवेलेबल है। पब्लिक भी नहीं समझ रही है कि उनको नहीं खाना चाहिए और इसको नहीं लेना चाहिए, बट जब कंपनी बना रही है और वो इजीली अवेलेबल है तो लोग तो ख़रीदेंगे। उनको एक बार जिस चीज़ की आदत लग जाएगी, जो एक नशे की आदत लग जाती है, वो तो छूटेगी तब जब वो मिलेगा ही नहीं। एक दिन आदमी तड़पेगा, दो दिन तड़पेगा, दस दिन तड़पेगा, उसके बाद उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो एटलीस्ट सबसे पहले तो आप कंपनी बंद कराओ। कंपनी क्यों नहीं बंद हो रही है, गुटखा मैन्युफैक्चर हो ही क्यों रहा है? बिल्कुल सही बात। उसके बाद अब वो हो भी रहा है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन रहे हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। उसके अलावा उसका चलो बन रहा हो नहीं पता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो अगर प्रशासन को नहीं पता है, लेकिन उसके अलावा टीवी में एड्स आ रहे हैं और सेलिब्रिटी पान मसाला क्या वॉट एवर, बट सबको मालूम है ना क्या बिक रहा है। वो पान मसाला बोल के बेचते हैं, इलायची बोल के बेचते हैं, लेकिन प्रमोट तो कंपनी को ही कर रहे हैं और वो कंपनी गुटखा भी बनाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्टार्स लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि उनके इस एड से गलत चीज़ें प्रमोट होनी शुरू हो गई। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पुलिस जो है इट्स बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छी है, बहुत हार्ड वर्किंग है, उनके नेटवर्क्स बहुत स्ट्रांग है। अगर वो इसको रोकना चाहे तो आई थिंक उनके लिए कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, ये उनको रोकना चाहिए। या तो वो उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या उनकी तरफ उनका ध्यान कोई खींच नहीं रहा है या उसके ऊपर जा नहीं रहा है। बट आई बिलीव कि हमारा जो पुलिस है वो समवेयर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग पूरे वर्ल्ड की पुलिस में सेकंड नंबर पे आती है, राइट? अब वो सेकंड नंबर पे आने के बाद, इतना अच्छा नेटवर्क होने के बाद, तो आप अगर पुलिस कोई भी चीज़ को रोकना चाहे तो मुझे नहीं लगता उसको ज़्यादा वक्त लगता है अगर उसके ऊपर स्टेप लेना चाहे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि whoever authorized for this, उनको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। तो इस तरह से आप एक बात इन कॉमन देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम आज के दिन जो है वो मिल रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पर सभी लोग ये कह रहे हैं कि गुटखा बहुत इजीली अवेलेबल है। और एक बात बहुत अच्छी कही इन्होंने कि पुलिस जो है वो क्षमता रखती है कि इस चीज़ के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन शायद उनका ध्यान कोई खींच नहीं रहा है इस तरफ पे। तो तहलका न्यूज़ इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि प्रशासन का ध्यान इस मुद्दे पर ज़रूर आए, लोगों को कैंसर से बचाया जाए, लोगों को जो है वो दर्दनाक मौत से बचाया जाए। कैमरामैन रॉकी के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए।